हेलो फ्रेंड्स, विनोद दिस साइड फ्रॉम स्टेट ड्राइव। दोस्तों, आज हम जिस प्रोजेक्ट में आपको लेके आए हैं, जिस यूनिट में हम आपको लेके आए हैं, ये बेसिकली यूनिट हमारा पड़ता है जीरकपुर के अंदर। अगर मैं बात करूँ इस पूरे फ्लैट की, इस पूरे प्रोजेक्ट की, सबसे पहला मेरा फर्ज है कि मैं आपको इस पूरे प्रोजेक्ट की थोड़ी सी ब्रीफ दे दूँ। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट हमारा पड़ता है जीरकपुर के अंदर। अगर हम रोड अप्रोच की बात करें तो आप सेक्टर 20 से भी आ सकते हैं, पंचकुला से जीरकपुर से भी एक रोड आता है आपका, और तीसरा जो आपका रहेगा वो आपका रहेगा एयरपोर्ट रोड से, जो कि 1.5 से 2 किलोमीटर के रेडियस में आपके 3 से 4 अप्रोचेज हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को लेके। दूसरा, ये प्रोजेक्ट जो है बेसिकली रेरा अप्रूव्ड है, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है। सारी अम्यूनिटीज़ के साथ ये प्रोजेक्ट आपको मिलता है। इसमें आपको क्लब हाउस, स्विमिंग, आपको गेटेड सोसाइटी है, कमर्शियल सारा अपना है इस पूरे प्रोजेक्ट का। और अगर मैं इस प्रोजेक्ट के ऑनर की भी बात करूँ तो ऑलरेडी ये 2 प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिलीवर्ड कर चुके हैं। ये इनका 3rd प्रोजेक्ट है जो कि बहुत प्यारा है। अगर मैं इस पूरे प्रोजेक्ट की बात करूँ तो ये प्रोजेक्ट आपका टोटल 8.5 एकड़ में है। सो उस हिसाब से बढ़िया प्रोजेक्ट है, क्योंकि मैंने जो बात की है ऑफिशियल से या ऑनर से, वो मुझे कह रहे थे कि सर, हमारे इस प्रोजेक्ट के आसपास टेंटेटिव आप लगा के चले कि आपको सारे हॉस्पिटल, एल्केमिस्ट आपका जो है हार्डली 1.5 किलोमीटर के रेडियस में है, स्कूल्स आपका गुरुकुल है यहाँ पे आसपास, आपका DPS है, उसके बाद आपका एक और स्कूल बता रहे थे, मतलब 2-3 स्कूल आपके 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आ जाते हैं। सो दोस्तों, लेट्स स्टार्टेड आवर प्रोजेक्ट। इस बार एक फ्लैट का आपको स्टार्ट करता हूँ। ये एंट्रेंस है। एंट्रेंस में जैसे आप एंटर करते हो, मेरे राइट हैंड साइड डाइनिंग आ जाता है और डाइनिंग के साथ आपका सामने ड्राइंग आ जाता है। दोनों की अगर मैं बात करूँ, ये आपका टोटल जो है वो 11x19 का ड्राइंग डाइनिंग है। और इस फ्लैट में अगर मैं पूरे की बात करूँ तो 1450 स्क्वायर फीट का ये फ्लैट है। और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में किचन आ जाती है। आप किचन देखें, ये किचन है। किचन जो है वो टेंटेटिव आप अगर बात करूँ, इसमें आप जो चीज़ देख रहे हो, जैसा देख रहे हो, ये आपको एज इट इज़ मिलेगी। 7x10 की किचन है, 2 सिंक आगे। इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस आपको इसमें नहीं मिलेंगे। वो अगर आप चाहेंगे थोड़ा बहुत, वो जो भी आपको लगता है मॉडिफिकेशंस करते हैं, हमारे वेंडर्स हमारे पास हैं, हम अलाइन कर देंगे, वो आपको पूरी प्रॉपर हेल्प करेंगे। सो ये आ गया इसका बालकनी। ये फ्लैट दोस्तों दोनों साइड ओपन है। अगर मैं बात करूँ, एक मैं आपको आउटर, क्योंकि मेरे कई सब्सक्राइबर कहते हैं कि सर आप आउटर एलिवेशन नहीं दिखाते, बाहर क्या है। ये बाहर का प्रोजेक्ट है। ये आप देखो, सामने पार्क है और ये सारे डिलीवर्ड हैं। यहाँ पे ऑलरेडी आपको फैमिलीज नज़र आती हैं। और यहाँ पे हमारा हाई राइज आ रहा है जो कि टेंटेटिव S+14 है। और अभी जो मैं प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ ये S+4 है, विद लिफ्ट के साथ ये प्रोजेक्ट है। सो वापस चलते हैं अपने फ्लैट में। ये किचन 7x10 की, जैसे आप देख रहे हो, आपको एज इट इज़ मिलेगी इस पूरी किचन में। 2 सिंक आगे, सॉफ्ट क्लोजर के साथ आपके ये आपके कैबिनेट्स आगे आप देख सकते हो। और यहाँ से मूव करते हुए ये अगेन बैक टू ड्राइंग एंड डाइनिंग। तो ये ड्राइंग एंड डाइनिंग के साथ ही सामने आपको 2 बेडरूम नज़र आ रहे हैं। अगर मैं दोनों बेडरूम की बात करूँ, ये दोनों बेडरूम आपके 11x15 के बेडरूम्स हैं। एक बार मैं आपको इस एंगल से भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा व्यू। ये आप देखिए, सामने एंट्रेंस थी, जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं वो हमारा बेसिकली मेन गेट है। तो 11x14 के 2 बेडरूम हैं, आप देख सकते हो। इसमें ये सेमी फर्निश आपको मिलेगा दोस्तों, सिर्फ फॉल सीलिंग और आपके वॉशरूम, किचन आपको एज इट इज़ मिलेगी। बाकी इंटीरियर जो आप देख रहे हैं वो आपको अपने एंड से मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप हमें बोलते हैं तो हमारी टीम भी आपको वो चीज़ मैनेज करा देती है। तो ये 11x14 का 1st बेडरूम है और सामने आपके वार्डरूम आ जाते हैं। TV पैनल सामने है, ऊपर आपका फॉल सीलिंग है और इसके साथ ही वॉशरूम है। वॉशरूम की मैं बात करूं, आपके दोनों जो वॉशरूम हैं अगर आप देखेंगे, वो 6x8 के दोनों वॉशरूम हैं, आप देख सकते हो। इसमें जो सैनिटरी है वो जैगुआर की, मैं आपको ब्रांड दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो। और अगेन ये हमारा बेडरूम आ गया। इससे ही, इसके साथ ही हमारी एक एंट्रेंस बैक साइड में है, वो आप देख सकते हो। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ बैक साइड का। ये आपका बालकनी आ गई और पीछे से भी आप देख सकते हो कि ये आपका ओपन है।
और यहाँ पे आप अपना वॉशिंग एरिया बना सकते हैं। जैसे ये मशीन की के लिए प्लग्स दिए हुए हैं, ये आपका वॉशिंग एरिया इजीली बन सकता है। सो मूव ऑन टू अ बेडरूम। सो हम थे पहले बेडरूम में, अब चलते हैं अपने दूसरे बेडरूम की तरफ। ये आपका दूसरा बेडरूम है, सामने आपका पूजा घर है। इसको आप जैसा चाहें, जो चाहें, पूजा घर, स्टडी रूम, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हैं। और ये हमारा दूसरा बेडरूम आ गया, अगेन 11x14 का। इससे भी आपकी एंट्रेंस है बालकोनी को, दोनों बेडरूम से बालकोनी की एंट्रेंस है। इसके साथ ही ये आपका वॉशरूम आ गया, अगेन जो वॉशरूम मैंने आपको बताया था 6x8 का वॉशरूम है। फिटिंग सैनिटरी की सारी जैगुआर की है। और ये आप देख सकते हो सामने वार्डरोब आ गया आपके, टीवी पैनल्स आ गए, ऊपर फॉल सीलिंग है और ठीक है, खुला है। मैं हमेशा कहता हूँ ये बड़ा बेड लगा हुआ है, तब भी हमारे पास घूमने के लिए मतलब काफ़ी स्पेशल जगह है कि आप इजीली मूव ऑन कर सकते हो ऑफिस पूरे टू फ्लैट के अंदर। सो दोस्तों अब चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम की तरफ। वो हमारा थर्ड बेडरूम है जो कि 10x14 का है। इतना फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा साइजेस में, क्योंकि वो 11x14 या 10x14 का है। और ये आपने आप देखें यहाँ पे, ये आपकी पीछे वॉल आ गई, सामने वॉशरूम है। और ये वॉशरूम आपका थोड़ा सा बड़ा है, सॉरी थोड़ा सा छोटा है, ये 5x7 का वॉशरूम है, अगेन सैनिटरी जैगवार की है। और इस बेडरूम के साथ ये सामने वार्डरोब आ गए, ये आपका टीवी पैनल आ गया। और इससे भी आपकी एंट्रेंस है बालकोनी को, आप देख सकते हैं, शायद लॉक है बट ये बालकोनी है आपकी, यहाँ से भी आपकी एंट्रेंस है मेन बालकोनी की तरफ। सो दोस्तों ये था हमारा 3BHK फ्लैट, 3 बेडरूम, 3 वॉशरूम, ड्राइंग डाइनिंग बोथ साइड ओपन, और 2 बालकोनियाँ फ्रंट बैक दोनों साइड बालकोनियाँ हैं विथ लिफ्ट है। और इसकी जो करंट कॉस्ट है दोस्तों, अभी अगर मैं बात करूँ, ये 6790 का है। मैं अपने सब्सक्राइबर को बार बार कहता हूँ, मैं डेट मेंशन कर रहा हूँ, ये आज 13 जुलाई का शूट है, तो 13 जुलाई के हिसाब से ये रेट है। अगर रेट आगे अप्रिशिएट भी होते हैं तो आप अगर चाहते हैं कि आप ये यूनिट बुक करना चाहते हैं, आप लेना चाहते हैं, तो हमारे नीचे दिए हुए नंबर्स पर कॉल करें। सो डेफिनेटली, और अगर आपको कोई भी कमेंट, कोई चीज़ पूछनी है, कुछ रह जाती है, तो आप नीचे दिए हुए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी। अगर आप कंफ्यूज हैं कि हमें ट्राई सिटी के अंदर कहाँ फ्लैट लेने चाहिए, क्या लेने चाहिए, आपके 100 तरह की क्वेरीज होती हैं, 100 तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। बिलीव मी, हम आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट प्रॉपर्टी आपको पिच करेंगे। सो दोस्तों आई होप कि आपको हमारा ये फ्लैट पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।